अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक जबरदस्त प्रोडक्ट का लेके आई हूँ जो कि हमारी स्किन के लिए है। इस तरह के आजकल गर्मियाँ चल रही है और हमारी स्किन डल होती जा रही है, साथ साथ एक्ने प्रॉब्लम भी दोबारा से शुरू होता जा रहा है, तो उसी के लिए मैं आज ये वीडियो लाई हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हर एक वीडियो का लिंक आसानी से मिल सके। इस वीडियो में हमारे पास सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे और ये दोनों इंग्रेडिएंट्स हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला इंग्रेडिएंट है मुल्तानी मिट्टी, जिस तरह के आपको पता है कि मुल्तानी मिट्टी स्किन ब्राइटनिंग के लिए अच्छी होती है। दूसरा है हमारे पास खीरे का जूस। हमने खीरे का जूस बनाना है, उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगी, और वो हमने मुल्तानी मिट्टी में ऐड करके अपने फेस पे लगाना है। अगर हम खीरे के जूस की बात करें तो खीरे का जूस या खीरा भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, तो उसको अगर हम खीरे के जूस के साथ मुल्तानी मिट्टी को ऐड करेंगे तो ये हमारी एक्ने प्रॉब्लम को भी कम करेगा और इसके साथ साथ स्किन ब्राइटनिंग में भी अच्छे रिजल्ट देगा। तो आइए अब हम चलते हैं खीरे का जूस बनाने की तरफ। खीरा लेना है आधा, जिस तरह की मैंने आपको बताया था, और हमने उसके पीसेस करके इस ग्राइंडर में डाल देने हैं और थोड़ा सा पानी भी डाल देना है और फिर हमने इसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड कर लिया है और ये हमारे पास इस फॉर्म में आया है। अब हमने इसको छान लेना है छन्नी की मदद से। आप अपने पास एक छोटी सी डब्बी रखिए जिसमें आप इसको छान लिया करें और थोड़ा खीरा लेके थोड़ा ही ग्राइंड किया करें रोज़, ताकि रोज़ आप इसको अपने फेस पे अप्लाई कर सकें। आप इसको एक दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप इसको साथ साथ बनाएं। अब हमने इसको छान लिया तो हमारे पास ये इस फॉर्म में आ गया, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में, प्योर फॉर्म में। अब इसी लिक्विड फॉर्म को हम अप्लाई करेंगे अपने मार्क्स में। लेनी है मुल्तानी मिट्टी जितनी आपको चाहिए, अगर आपने खाली फेस पे अप्लाई करनी है तो उतने हिसाब से आप अपने ये मुल्तानी मिट्टी लेंगे। मैंने मुल्तानी मिट्टी ली है एक चम्मच और इसको अब मैं इस बाउल में डालती हूँ। अब इसको डिसॉल्व करने के लिए, लाइक मिक्सचर बनाने के लिए मुझे जितना पानी चाहिए होगा मैं उतना ही लूँगी। ध्यान रखना है कि हमारा मिक्सचर गाढ़ा बने, लेकिन इतना ना इतना गाढ़ा होना चाहिए और ना ही हमारे पास मिक्सचर बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। अब इसमें हम थोड़ा सा और वाटर अप्लाई करते हैं। हमारे पास इस मिक्सचर की फॉर्म है, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। अब हम इसको अप्लाई करेंगे, अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं और हैंड्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। खाली दो इंग्रेडिएंट्स हैं और दोनों इंग्रेडिएंट्स जिस तरह के मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी स्किन के लिए, ब्राइटनिंग के लिए भी और एक्ने को कम करने के लिए भी। क्योंकि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इस मास्क को एक दो हफ्ते अप्लाई करें अपने फेस पे और रिजल्ट्स देखें, और कमेंट सेक्शन में अपने रिजल्ट्स हमारे साथ शेयर करना मत भूलिएगा।